रिलैक्स मिसेस बत्रा, थोड़ा टाइम लगेगा। ओ मदर ऑफ लाइफ, ओ फादर ऑफ द यूनिवर्स। डॉक्टर साहब ये मंदिर नहीं है, बच्चा निकलिए यार, क्या कर रहे हैं आप? हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस हफ्ते के रिलीज हुई फिल्म गुड न्यूज़ के 3 दिनों के वर्ल्ड वाइड अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों फिल्म ने इन शुरुआती 3 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई की, साथ ही साथ फिल्म का ओवरसीज का कलेक्शन कितना हो चुका है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों राज मेहता के डायरेक्शन में बनी कॉमेडी फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म गुड न्यूज, जिस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार और बॉलीवुड के खिलाड़ी मिस्टर अक्षय कुमार, और उनके साथ नजर आ रही है करीना कपूर और पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ, और साथ ही साथ में है हमारी प्रीति यानी कि कियारा आडवाणी। दोस्तों फिल्म रिलीज हुई थी 27 दिसंबर को और फिल्म ने आज बॉक्स ऑफिस पर पूरे कर दिए 3 दिन। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को इस वक्त अपना पूरा वीकेंड कंप्लीट हो चुका है और फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में काफी धमाकेदार कमाई कर ली है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का जो पहले दिन का कलेक्शन था वो तो उम्मीद से कम रहा, लेकिन फिल्म ने दूसरे और तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ग्रोथ दिखाई और फिल्म ने अपने दूसरे और तीसरे दिन में ताबड़तोड़ कमाई कर ली और सभी हेटर्स का मुंह बंद कर दिया जिन्हें लग रहा था कि गुड न्यूज फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेगी। जी हाँ दोस्तों, 80 करोड़ के बजट में बनी गुड न्यूज फिल्म ने अपना बजट लगभग पूरा रिकवर कर लिया अपने शुरुआती 3 दिनों में और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब हो रही है सुपर डुपर हिट। जी हाँ दोस्तों, 2019 अक्षय कुमार के लिए काफी लकी साबित रहा, क्योंकि इस साल उनके 4 फिल्में रिलीज हुई जिसमें से पहली रही थी केसरी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 154 करोड़ रुपए, यानी कि उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। उसके बाद दोस्तों उनकी फिल्म रिलीज हुई थी मिशन मंगल, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा कमाई की, और आखिरी में उनकी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था हाउसफुल 4, जिस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ कमाए थे। यानी कि 2019 में अक्षय कुमार की 2 फिल्मों ने 200 करोड़ की कमाई की, जबकि कुछ स्टार की फिल्मों ने तो इस साल 200 या 150 करोड़ की भी कमाई नहीं कर पाई थी। लेकिन दोस्तों फाइनली अब गुड न्यूज बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से कमाई कर रही है उसे देखते हुए लग रहा है कि मिशन मंगल और हाउसफुल 4 की तरह गुड न्यूज भी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ की कमाई जरूर करेगी। जी हां दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों गुड न्यूज फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया था 17 करोड़ 56 लाख रुपए का, जो कि उम्मीद से कम था, लेकिन कोई बात नहीं, फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन ताबड़ तोड़ रहे। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने दूसरे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया लगभग 21 करोड़ 78 लाख रुपए का। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने शुरुआती 2 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन लगभग 40 करोड़ के आसपास का कर लिया था। अब बात करें तीसरे दिन के कलेक्शन की तो दोस्तों तीसरे दिन रहा था संडे यानी कि फुल हॉलीडे, और हॉलीडे होने की वजह से यहाँ पे गुड न्यूज़ फिल्म ने अपने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर गजब की उछाल ली और फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन ने सभी हेटर्स की बोलती बंद कर दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गुड न्यूज़ फिल्म को अपने तीसरे दिन मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी मिली थी 27 से 30% की, वही आफ्टरनून वाले शोज में ऑक्यूपेंसी थी 40 से 42%, लेकिन दोस्तों फिल्म को इवनिंग वाले शोज में 62 से 76% की ऑक्यूपेंसी मिली, वही नाइट वाले शोज की ऑक्यूपेंसी जा रही है लगभग 58% पे। तो दोस्तों जो अभी तक की रिपोर्ट आई है उस हिसाब से यहाँ पे गुड न्यूज फिल्म ने अपने तीसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है लगभग 27 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का तीसरे दिन का एस्टिमेट कलेक्शन 27 करोड़ रुपए रहा है। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन कर लिया लगभग 66 करोड़ 34 लाख रुपए, वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 78 करोड़ रुपए। बात की जाए ओवरसीज कमाई यानी कि इंडिया के बाहर के कलेक्शन की तो दोस्तों आपको बता दें गुड न्यूज फिल्म को ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेश में लगभग 700 स्क्रीन पे रिलीज किया था और फिल्म ने 700 स्क्रीन पे अभी तक टोटल ग्रोस कलेक्शन किया है 22 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जहां इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 78 करोड़ रुपए और ओवरसीज का ग्रोस कलेक्शन 22 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का 3 दिनों में जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता
रहा है वो हो चुका है 100 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म शुरुआती 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की कमाई कर चुकी है। अब देखना है दोस्तों, ये फिल्म वर्ल्ड वाइड तो 100 करोड़ रुपए कमा चुकी है, लेकिन क्या इंडिया नेट कलेक्शन फिल्म का 200 करोड़ का होता है या नहीं। हालांकि दोस्तों, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि गुड न्यूज़ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज़ बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ कमा पाएगी या नहीं? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और गुड न्यूज़ फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।